जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि आज की है हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से की क्लास है। और हम मंदिरों की पहले भी क्लासेस लगाई हैं और हमारी आज फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है मंदिरों से जुड़े हुए, जिसमें आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यानी कि नई दिल्ली द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के जो चयनित है यानी कि जिनको चिन्हित किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। अब हम उन मंदिरों के बारे में जानेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन कौन से जो मंदिर हैं उनको चिन्हित किया गया है पुरातत्व विभाग यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जिस विभाग के द्वारा जो है सभी मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग में डाला जाता है यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। जैसे कि गणेश मंदिर है भरमौर का, याद रखिएगा गणेश मंदिर कहाँ है, भरमौर में। मणिमहेश मंदिर कहाँ पे है जी, ये भी भरमौर में है चंबा के, उसको भी पुरातत्व विभाग में। ऐसे नरसिंह मंदिर है ये भरमौर का, लक्षणा मंदिर है भरमौर में, श्री ब्रजेश्वरी मंदिर ऐसे तो कांगड़ा में भी है, एक चंबा का भी है, और श्री वंशी गोपाल जो है वो है आपका चंबा का, श्री चमुंडा मंदिर है चंबा में, और श्री हरि राय मंदिर है चंबा में, और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा में, और सीता राम मंदिर है आपका चंबा में, और श्री शक्ति देवी का मंदिर है छतराड़ी में, और चंपावती का मंदिर कहाँ पे है, चंबा में, और पत्थर की मूर्ति जो है वो किरोथा में है ये चंबा में। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर हैं और दिल्ली सरकार द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को जो है इसको संरक्षित स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। इसी प्रकार से अगर कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में जो है भीम का टीला है, चैतलू जगह है धर्मशाला के पास, वहां पर कांगड़ा किला है, उसे भी पुरातत्व विभाग में डाला गया है। पत्थर के शिलालेख है खनियारा में, खनियारा कहाँ पे, धर्मशाला के पास में। कोटला का किला है नूरपुर में, रॉक कट मंदिर है मसरूर के पास, वो भी हमारा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे ही नूरपुर का किला है नूरपुर में ही, पत्थर का शिलालेख है पठियार, पठियार भी बोल सकते हैं, पत्थर की शिलालेख है ये पठियार में है, लॉर्ड एल्गिन की समाधि है। तो ये हमारा फोर्टिसगंज या आपका मैक्लोडगंज बोल सकते हो वहां पर है ये, और आशापुरी मंदिर है ये, पालमपुर लिखा है मगर मैं इसको कहूंगा जयसिंहपुर के नजदीक है, कहां पर है, जयसिंहपुर के, जयसिंह, जयसिंहपुर के नजदीक है। और बैजनाथ मंदिर है, बैद्यनाथ बोला है, बैजनाथ मंदिर भी है, ये भी पुरातत्व विभाग में आता है। इसी प्रकार से कुल्लू का अगर हम बात करें तो बजेश्वर महादेव मंदिर है बजोरा में, लघु पाषाण शिव मंदिर है जगत सुख में जो कि मनाली के पास है, गौरी शंकर मंदिर है नगर मनाली में, हडिम्बा माता का मंदिर है कहाँ, किसका है, हडिम्बा माता का मंदिर है डुंगरी, क्योंकि डुंगरी मेला भी लगता है आपको मैंने बताया तो वो मनाली में लगता है, गौरी शंकर मंदिर है दसाल मनाली में। इसी प्रकार से अब हमीरपुर जिला की बात करें, कटोच महल है सुजानपुर जिला में, जो ऊपर सामने महल दिखता है वो कटोच वंश का है और उन्होंने सुजानपुर टीरा का है, ये भी पुरातत्व विभाग में आता है। और नंदेश्वर मंदिर है सुजानपुर टीरा का, ये भी पुरातत्व विभाग के अंडर है। इसी प्रकार से मंडी की बात करें तो पंचवक्त्र मंदिर है, जिसमें इस बार बहुत ज्यादा त्राही आई थी, बहुत ज्यादा बाढ़ में बरसात में पूरा डूब गया था, पर इस मंदिर को कोई भी आंच नहीं आई है, ठीक है जी। त्रिलोकीनाथ मंदिर है मंडी में, अर्धनारीश्वर मंडी में मंदिर है, ये भी पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के जो है संरक्षित स्मारक है। इसी प्रकार से लाहौल स्पीति में ताबो मठ है, जो कि ताबो ही जगह है काजा में, मृकुला देवी का मंदिर है जैसे मैंने आपको बताया था उदयपुर, पूह मठ है ताबो काजा में। इसी प्रकार से अगर सिरमौर की बात करूं तो मानगढ़ मंदिर है जो कि पच्छाद के पास है, और शिमला में जो है राष्ट्रपति निवास है, IIAS के लिए जो है हमारी एडवांस स्टडीज के लिए यहीं पे जाते हैं। इसी प्रकार से चंबा का
और मैं लेके चलूं, क्योंकि यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और पूर्ण निवास अधिनियम 1984 में निम्नलिखित मंदिर उठाए हैं, कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा का, और महाकाल मंदिर है भरमौर, और मणिमहेश भी भरमौर का। इसी प्रकार से कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वाला जी बोलते हैं, श्री राम गोपाल मंदिर है, ये डमटाल में है, और ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है वो कांगड़ा में है, नरसिंह देव मंदिर है नगरोटा सूर्या के पास, श्री अष्टभुजा माता मंदिर है बोहना देहरा गोपीपुर के पास है, कहां पे है? देहरा गोपीपुर के पास बोहना, ठीक है जी, वहां पर है। और श्री चमुंडा नंदिकेश्वर मंदिर है कांगड़ा में, और दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है, और भागसुनाथ मंदिर है धर्मशाला में, और वैद्यनाथ मंदिर यानी कि बैजनाथ मंदिर जो है वो बैजनाथ में ही है कांगड़ा का। ये सभी मंदिर सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से अगर हमीरपुर की बात करें तो बाबा बालकनाथ मंदिर है द्योड़ सिद्ध का, और ऊना में है श्री चिंतापूर्णी मंदिर, बिलासपुर का है नैना देवी मंदिर, शाहतलाई बाबा बालकनाथ मंदिर का समूह, और श्री हनुमान मंदिर जो कि ढियारा बिलासपुर में है। सोलन में जो है वो शूलनी माता का मंदिर भी इसमें सम्मिलित किया गया है, 1984 के अधिनियम में मंदिरों में सम्मिलित किया है। सिरमौर में महामाया बाला सुंदरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर, और देई साहिब मंदिर जो कि पोंटा साहिब बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मंडी का जो है हड़ोंगी माता का मंदिर भी बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी इसी में सम्मिलित किया गया है। शिमला की बात करें तो तारा देवी मंदिर है शिमला में, दुर्गा माता मंदिर है हाटकोटी का, और भीमा काली मंदिर है सराहन का, इंपॉर्टेंट रहेगा, और हनुमान मंदिर की जाखू का मंदिर जो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अयोध्या नाथ मंदिर रामपुर में है, और श्री दत्तारे मंदिर है रामपुर का, श्री संकट मोचन मंदिर है शिमला का, और श्री बजट महाराज जो मंदिर है सराह चौपाल में, ये फेमस रहेंगे। अब ये आते हैं हमारे वन लाइनर की फॉर्म में, आपको इनको भी याद कर नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है भीमा काली मंदिर कहां पर स्थित है, तो भीमा काली मंदिर कहां पे बताया मैंने, सराहन शिमला। 84 मंदिर कहां है प्यारे बच्चों, भरमौर, कहां पे है जी, भरमौर, क्योंकि 84 मंदिरों का समूह भी कहते हैं इसको, ठीक है। हडिम्बा मंदिर कहां पे है, तो मनाली, कहां पे है जी, मनाली कुल्लू के पास, कुल्लू मनाली के पास जो है हडिम्बा मंदिर है। हाटकोटी मंदिर कहां पे है, ये भी शिमला में हाटकोटी जगह पे है। सभी क्वेश्चन, भूतनाथ मंदिर कहां है, मंडी में है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इनको पढ़ाया है। मनाली के निकट हडिम्बा देवी का जो मंदिर है वो किस शैली में है, तो वो पगोड़ा शैली में, यूं बना हुआ ऊपर को जैसे कि आपका देवदार का पेड़ होता है, तो पगोड़ा शैली में है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस मंदिर में सांपों की सबसे बढ़िया आकृतियां हैं, तो वो है प्राशर मंदिर में, कहां पे है जी, प्राशर मंदिर। तो इस प्रकार से ही संध्या देवी का मंदिर है जी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, वो है जगत सुख में। श्रीखंड महादेव का मंदिर कहां है, तो कुल्लू में स्थित है जी। और शक्ति देवी का मंदिर कहां है चंबा के, तो छतराड़ी के जो चंबा में जो है वो स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपको नोट कर लेने चाहिए, है ना, ठीक है। तो इन्हें नोट करना है, हिमाचल के शिमला में किस स्थान पर महिषासुर धर्मनी जो है उनकी धातु से बनी हुई है, तो जैसे मैंने आपको बोला है 6 धातुओं की, कोई 8 धातुओं की, वो याद रखना है। तो हाटकोटी में मार्कंडेय मंदिर है जो जुखाड़ा बिलासपुर के पास है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लोमश ऋषि का एकमात्र मंदिर है, हिमाचल का भी एकमात्र है, रिवालसर में लोमश ऋषि का है, रिवालसर मंडी में।
इसी प्रकार से ज्वालामुखी मंदिर जो है किसने सोने का छत्र चढ़ाया था, तो सोने का छत्र जो है वो अकबर ने चढ़ाया था जी। कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो कहां पर है, करसोग मंडी में है। कहां पे है जी, करसोग मंडी में है कामाख्या देवी का मंदिर। इसी प्रकार से मृकुला देवी का मंदिर कहां है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। कहां है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है मृकुला देवी का मंदिर। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है, नीरथ। नीरथ आंसर याद रखिएगा, शिमला के पास है। बाबा रुद्रू और जोगी पंगा डेरा ये कहां पर है, तो ऊना में स्थित है। और प्रसिद्ध पशुराम जो मंदिर है वो है रेणुका सिरमौर में। ऐसे ही है आपका तारना यानी कि टारना जो है वो मंदिर किसने बनाया, तो शिव सेन ने बनवाया था। महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किस मंदिर को तोड़ा या लूटा था, वो आपको पता होना चाहिए, वो है ब्रजेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर। माता बाला सुंदरी मंदिर कहां पर है, तो त्रिलोकपुर में स्थित है। कहां पे है जी, त्रिलोकपुर में स्थित है। मसरूर रॉक कट मंदिर जो है वो कहां पर है या किस तहसील में आता है, देहरा गोपीपुर के अंदर आता है। कौन सी में आता है, देहरा गोपीपुर में आता है, तहसील का नाम है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है चंबा के कितने मंदिरों का समूह है, तो लक्ष्मी नारायण जो वो 6 मंदिरों का समूह है। जैसे 84 मंदिरों का समूह है वैसे ये 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है। रॉकट मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश का अजंता कहते हैं, ये कहां है, मसरूर कांगड़ा। जाखू मंदिर किस देवता के लिए जाना जाता है, हनुमान के लिए। चंबा जिले के शक्ति देवी का मंदिर कहां है, किसने बनवाया, वो है मारू बर्मन। किसने बनाया, मारू बर्मन। और कुल्लू के निर्मंड में कौन सा मंदिर है, वो है पशुराम मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पशुराम मंदिर निर्मंड में है। इसी प्रकार से जुब्बल घाटी की हाटेश्वर मंदिर किस शैली में बना है, पैरामिड शैली में बना है। हाटेश्वर मंदिर किस में बना है, पैरामिड शैली में। चिंतपूर्णी किस में है, ऊना में आता है जी। मनाली के डुंगरी मंदिर जो है वो किसको है, देवी हडिंबा को समर्पित है। और आपको पता है हडिंबा जो है वो भीम की वाइफ है, ठीक है। अब लोकितेश्वर मंदिर जो है वो लाहौल में कहां पर है, तो अब लोकितेश्वर मंदिर जो है वो है आपका उदयपुर। चंडीगढ़ के समीप मनसा देवी का मंदिर है, वो किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है या रियासत के अंतर्गत आता था, आता है या बोल सकते हैं वो है सिरमौर के अंतर्गत आता है मनसा देवी का मंदिर। इसी प्रकार से मंडी में कितने मंदिर माने जाते हैं, तो लगभग मंडी में जो है आपके 81 मंदिर जो है वो माने जाते हैं। हिमाचल में नागर शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो मसरूर मंदिर है, ये 8वीं शताब्दी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कौन सा है, ये भी रॉक कट टेम्पल ही है, 15 मंदिरों का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए ये 15 का है और लक्ष्मी नारायण कितने मंदिरों का समूह है, 6 मंदिरों का समूह है, ध्यान से याद रखना बेटा। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला गांव, ठीक है वो है गैयूर गोम्पा, जहां पे सबसे कम आबादी वाला है, तो लाहौल स्पीति में। इसी प्रकार से मंदिरों का संबंध जो है वो रावण से है, तो किस मंदिर का संबंध है रावण से, वो है बैजनाथ मंदिर का। इसी प्रकार से ज्वालामुखी मंदिर जो है पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था, हरिचंद कटोच के द्वारा बनाया गया था। भरमौर के 84 मंदिरों का जो है वो किसने बनाए थे, साहिल बर्मन ने। किसने बनाए थे, साहिल बर्मन ने बनाए थे। महासु मंदिर कहाँ है, गिजारा में है। इसी प्रकार से डोका बोका मंदिर कहाँ है, वो है गजन में। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, संसार चंद द्वारा बनाए गए नंदेश्वर मुरली मनोहर मंदिर
और गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे है? सुजानपुर टीरा और आपको पता ही है हमीरपुर में है। कहाँ पे है? हमीरपुर में, ठीक है। और मंडी में श्यामा काली मंदिर है, ये याद रखिएगा, श्यामा सेन ने ही बनाया था। पीर प्यानू मंदिर कहाँ पर है? तो कोटधाई धार बिलासपुर में स्थित है जी। जगन्नाथ मंदिर है जी, ये कहाँ पर है? नाहन में स्थित है। एक और है मृकुला देवी का मंदिर, लाहौल स्पीति में ही है। ये किसने बनाया था? तो अजय वर्मन के द्वारा जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हाट कोटी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वीर प्रकाश ने। किसने करवाया जी? वीर प्रकाश ने। रंगनाथ मंदिर कहाँ पे है? बिलासपुर में स्थित है। विश्वकर्मा मंदिर कहाँ है? पौंटा साहिब सिरमौर। त्रिलोकपुर मंदिर फिर से सिरमौर में दीप प्रकाश के द्वारा बनाया गया। यमुना और टोंस के संगम कहाँ पर होता है? वो है सहस्त्र धारा में। और संकट मोचन हनुमान जी जो है वो कहां पर है? जाखू पर, शिमला। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वन लाइनर में से कुछ भी दिमाग में पड़ा है ना तो आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है चंबा के भरमौर में स्थित गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? मेरु वर्मन, त्रिभुवन देवी, युगांगर वर्मन या साहिल वर्मन? देख लेते हैं, ऑप्शन इज ए मेरु वर्मन। मेरु वर्मन के द्वारा जो है ये बनाया गया था। अगला सवाल, कामेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, चंबा, सोलन या सिरमौर? अपना आंसर जो है वो देते रहें। कामेश्वर मंदिर या महादेव मंदिर कहां पे है? कमेंट करना ना भूले भैया। चंबा, चंबा कमेंट करिए भैया, साथ साथ में कमेंट करिए। वृजराज बिहारी मंदिर किस जिले में है? वृजराज बिहारी मंदिर किस जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, ऊना या बिलासपुर? अपना आंसर जो है वो साथ साथ दीजिए बेटा, साथ साथ में आंसर दो। सही आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, कांगड़ा। क्या आंसर रहेगा? बी ऑप्शन कांगड़ा जो है वो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों। अगला सवाल, बृजराज बिहारी मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? राजा धर्मचंद, राजा वासु, राजा संसार चंद या वाणासुर? अपना आंसर कमेंट करिए, कोई इशू नहीं है, जितनी प्रैक्टिस है उतने आप देखिए तो सही। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है राजा वासु। मंडी जिले में स्थित माधो राव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ? सूरज सेन, श्याम सेन, वाण सेन या सिद्ध सेन? किसके द्वारा जो है माधो राव मंडी में जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है? ए ऑप्शन है सूरज सेन। किसके द्वारा बनाया गया है? सूरज सेन के द्वारा जो है ये निर्मित है। नेक्स्ट आता है मगरू महादेव मंदिर किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगरू महादेव, कांगड़ा, ऊना और चंबा मंडी। सभी आंसर करिएगा साथ साथ में। मगरू महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? सभी आंसर दीजिए। डी ऑप्शन मंडी में है। कहां पे जी? मंडी में स्थित है। अगला सवाल, कांगड़ा जिले के में स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा था बताएं, या कब तोड़ा था, कब ध्वस्त किया था? वो देख लेते हैं, आंसर रहेगा बी ऑप्शन 1009 ईस्वी में, 1009 में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मंडी के राजा अजवर सेन ने भूतनाथ मंदिर का जो है निर्माण कब करवाया था? भूतनाथ मंदिर को कब बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं वो है डी ऑप्शन 1526। अगला सवाल, आलमपुर में है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये किसने बनाया था? धर्मचंद, घमंडचंद,
या संसार चंद या अनिरुद्ध चंद। आंसर कमेंट करिएगा, आंसर साथ साथ में कमेंट करते रहना बेटा। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, संसार चंद रहेगा। चंबा जिले में स्थित बंसी गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा बलभद्र, नर्स बाटलू या त्रिभुवन देवी या लक्ष्मण बर्मन, बर्मन। सभी आंसर साथ साथ में दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, राजा बलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर यहीं पर क्वेश्चनों को मैं विराम दूंगा। सभी को कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के पूरे मंदिरों को मैंने पढ़ा दिया है और वन लाइनर में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका क्वेश्चंस को दिखा दिया है। आपने सारे मंदिरों की क्लासेस प्रॉपरली लगानी है और आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं बाहर से नहीं बनेगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा इसी चैनल पे और हमारी नई वीडियोस को देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।